हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हटो बच्चो क्रिएशन पर। गाइस, इससे पिछली वीडियो में मैंने इस एम्पलीफायर की अनबॉक्सिंग प्लस रिव्यू आपको करके दिखाया था और साथ में आपको बताया था कि क्या क्या इसके अंदर फंक्शन है और सारी जानकारी आपको दी थी इस एम्पलीफायर की। तो काफी ज्यादा लोग डिमांड कर रहे थे कि इस एम्पलीफायर को ओपन करके दिखाइए कि किस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इसमें यूज किए गए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि क्या इसके अंदर यूज किया गया है, जो इसके अंदर इतनी ज्यादा पावर है। ये एम्पलीफायर 120 वाट का है। तो यही हम जानेंगे कि किस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इसमें यूज किए गए हैं और क्या उनकी क्वालिटी है। तो सारी चीजें आपको दिखाएंगे। आप इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जो से दबा दीजिए और प्लीज दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। आप वीडियो तो रेगुलर देखते हो पर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो हम लोग छोटे क्रिएटर है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। जैसे ये नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा है, इसे ब्लैक कर दीजिए बिल्कुल एम्पलीफायर की तरह, तो आपका बहुत बहुत मेहरबानी होगी और जिन्होंने सब्सक्राइब रखा उनका तहे दिल से शुक्रिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इस एम्पलीफायर के पहले से ही स्क्रू खोल रखे है जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और अगर आपको ये एम्पलीफायर खरीदना है तो आप खरीद सकते हो, बस आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। नंबर आपको वीडियो में मिल जाएगा और सारी जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये एम्पलीफायर मैंने ओपन कर रखा है, तो इसका ये हटा लूं। देखिए दोस्तों, ये एम्पलीफायर ओपन हो गया। तो ये इसका चेसी है जो मैंने रख दी इधर, और अब दिखाते हैं आपका एम्पलीफायर। पहले आप एक बार एम्पलीफायर ऊपर से देख लीजिए, ऊपर से देख सकते हैं एम्पलीफायर, एक बार आप ओवरऑल लुक देख लीजिए, फिर मैं आपको एम्पलीफायर दिखाऊंगा कि क्या है एम्पलीफायर के अंदर। तो सबसे पहले देख सकते हैं इस एम्पलीफायर के अंदर तीन ट्रांसफॉर्मर यूज किए गए हैं। इस एम्पलीफायर के साथ दोस्तों अंदर तीन ट्रांसफॉर्मर यूज किए हैं। तो जो ये पहला ट्रांसफॉर्मर है ये 12 वोल्ट का है और ये करीब 5 एम्पियर का ट्रांसफॉर्मर है जो कि पूरे एम्पलीफायर को सप्लाई दे रहा है। और ये वाला मेन ट्रांसफॉर्मर है जो कि ऑडियो इनपुट के लिए है। ये वाला 12 वोल्ट का एक ट्रांसफॉर्मर है जो कि एम्पलीफायर की ये ब्लूटूथ वगैरह सप्लाई के लिए है। तो सबसे पहले देख सकते हैं पीछे इसमें एक ऑक्स का केबल लगाया गया है सॉकेट, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है उनके वायरिंग की गई है, और ये वायरिंग देख सकते हैं ट्रांसफॉर्मर पर की गई है जिससे कि जो एम्पलीफायर की पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ाई जा सके। तो देख सकते हैं काफी अच्छी तरीके से वायरिंग की गई है, पीछे एक ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, और ये देख सकते हैं यहाँ पर ये एम्पलीफायर ट्रांसफॉर्मर जो है वो पावर बढ़ाता है इस एम्पलीफायर की। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने 2 रेजिस्टेंस ये लगे और 4 ये लगे हुए हैं, और डायोड देख सकते हैं आप काफी ज्यादा मोटे है। गैस जो इसमें ये कैपेसिटर यूज किया गया है ये 35 वोल्ट और 18,000 UF का है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर देख सकते हैं स्पीकर के कनेक्शन किए गए हैं जिससे कि हम आउटपुट ले सकते हैं। यहाँ पर 7805 की एक IC भी लगाई गई है जो कि इस पर कैपेसिटर लगाया गया है जिससे कि हम इस ब्लूटूथ को आगे सप्लाई मिलती है। ये वाला जो ब्लूटूथ है इसे यहाँ पर सप्लाई मिलती है। और यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप इसे 12 वोल्ट से भी सप्लाई दे सकते हैं, तो 12 वोल्ट के नीचे यहाँ पर कनेक्शन दिया गया है जिससे कि हम 12 वोल्ट से इसे सप्लाई दे सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। बाकी जो एम्पलीफायर की चेसी है वो काफी ज्यादा मजबूत बनाई गई है। अब मैं आपको आगे का इसका दिखाता हूँ। आगे की तरफ से दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको दिखता है। तो यहाँ पर ये मेन बेस टेपल माइक वगैरह का बोर्ड है जिससे कि ये सारा एम्पलीफायर कंट्रोल होता है, और यहाँ पर इसके नोब लगे हुए हैं जिससे कि माइक की वॉल्यूम कंट्रोल होती है। और यहाँ पर देख सकते हैं स्विच लगाए गए हैं, ये यहाँ पर ब्लूटूथ पैनल, और यहाँ पर हमारा मेन स्विच लगाया गया है, और ये कुछ LED बटन है जिससे कि हमारा जो एम्पलीफायर है वो काफी ज्यादा सुंदर लगता है बजता हुआ। बात करें दोस्तों इसमें कौन सा ट्रांजिस्टर यूज किया है, दोस्तों इसमें 2N3055 यूज किए गए है EHV हाई वोल्टेज के, तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। और ये इस पर कैप लग जाता है जिससे कि हमारा हाथ वगैरह ना चले और काफी ज्यादा सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं ये एम्पलीफायर खरीदना तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। काफी ज्यादा अच्छा एम्पलीफायर है, मोनो एम्पलीफायर है, और आपको काफी ज्यादा अच्छी पावर सप्लाई मिलेगी इसमें। यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका फ्यूज है, तो इसका फ्यूज देख सकते हैं काफी ज्यादा अच्छा है। दोस्तों जो एम्पलीफायर आपको चाहिए हो तो वो आप खरीद सकते हो, बस दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देख रहे हो तो
उससे हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया। तो देख सका है कि एम्पलीफायर काफी ज्यादा बढ़िया है। ट्रांसफॉर्मर देखो दोस्तों, काफी ज्यादा, रुक जाओ मैं अभी आपको बढ़िया से दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों कितना चौड़ा ट्रांसफॉर्मर है, आप मेरे हाथ के हिसाब से अंदाजा ले सको, काफी ज्यादा चौड़ा ट्रांसफॉर्मर है। और ये वाला थोड़ा सा पतला है, हैवी गेज में तीनों ट्रांसफॉर्मर है। बाकी देख सको हैंडल वगैरह सारी अच्छे से एम्पलीफायर बनाया गया है, ये वाला बहुत बढ़िया एम्पलीफायर है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर लो लाइक, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।